हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जो कि दोस्तों इसी फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें, उनमें से एक भी को भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों ऑल टॉपिक्स ऑल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप सभी को यूनिट वाइज फर्स्ट यूनिट से फिफ्थ यूनिट तक के ऑल आईएमपी कंट्रोल सिस्टम के लिए बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भाई फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट से ईसी ब्रांच के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यार, बात करें यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट यूनिट आपको सामने दिख रही है, जिसमें पहला टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है, इसके कुछ क्लासिफिकेशंस है वो कर लेना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लेना, साथ साथ फर्स्ट यूनिट का सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है ओपन एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आपको डिफरेंस पूछ लेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, एप्लीकेशंस पूछ लेगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछ लेगा। तो दोस्तों, आपको ये अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करिएगा, ओपन एंड क्लोज्ड लूप इन कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद दोस्तों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र फंक्शन, फोर फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कर लेना। ये थे वो क्वेश्चन जो कि 7-7 मार्क्स में आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी आते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं एक्सप्लेन में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों आपको अच्छे से करना है। मैंने जैसा कि आपको बोला है, फर्स्ट यूनिट से अच्छा खासा आता है, 2022 में भी आया था और उम्मीद है कि 2023 में भी आएगा। इसलिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में जितने भी ये एक्सप्लेन में शॉर्ट में लिखे हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यार, यहाँ तक फर्स्ट यूनिट के आईएमपी तैयार हुए, चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। सो दोस्तों, सेकेंड यूनिट में सबसे पहले आपको करना है वेरियस टेस्ट सिग्नल यूज इन कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। साथ के साथ शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में आपसे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये टॉपिक डैम्पिंग रेशियो, रूट लोकस। दोस्तों, रूट लोकस के कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना, आ जाए तो आपसे बन जाए। मैक्सिमम ओवरशूट, डिले टाइम, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, साथ के साथ राउथ क्राइटेरिया, जो कि आपको एक्सप्लेन में करने को आ सकता है, तो इसका कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा। साथ के साथ न्यूमेरिकल कभी कभी आते हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, रूट लोकस की एंड इसकी। तो दोस्तों, सेकेंड यूनिट के आईएमपी तैयार हुए, चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, थर्ड यूनिट से फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये यार काफ़ी टाइम आए हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि 2023 में भी आएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको ये तीन टॉपिक करने हैं। उसके बाद मिनिमम फेस सिस्टम, जो कि भाई आपका शॉर्ट नोट में पूछा था शायद 2018 में, साथ साथ आपको शॉर्ट नोट में करना है पोलर प्लॉट, वर्ड प्लॉट, जो कि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी करना है। अब कभी कभी इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं, इसलिए आप इसका थ्योरी पार्ट कर लीजिए और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। साथ के साथ एक बार इनवर्स पोलर प्लॉट आया था, जो कि चांसेस है इस बार भी आ सकता है। अब कुछ न्यूमेरिकल जो कि रेगुलरली आते हैं, वो आपको सामने दिख रहे होंगे, वेस्ट ऑन ट्रांसफ़र फंक्शन, वेस्ट ऑन फेज मार्जिन, रिक्वेस्ट रेट। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम मिले तो न्यूमेरिकल पार्ट को कर लेना। दोस्तों, थर्ड यूनिट यहाँ कंप्लीट हुई, चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फोर्थ यूनिट में से अच्छा खासा आता है, तो फर्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा है कंपेंसेटर, ये दोस्तों आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, दो या फिर एक। तो इसमें लैग लीड टाइप, लीड लैग टाइप, फेस लीड एंड फेस लैग टाइप, ये आपको चारों कर लेना है। कोई भी आ सकता है या फिर किसी दो के कंपेयर में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी, इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना है। इसके बाद सेकंड में जो आपको दिख रहा है कंपेंसेशन नेटवर्क, PID कंपेंसेशन, ये दोस्तों शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं, तो इसे भी कर लेना। अब साथ के साथ फोर्थ यूनिट में सेकंड या फिर थर्ड पार्ट है कंट्रोलर्स, जिसमें से ये चार टाइप के मेनली कंट्रोलर्स पूछे जाते हैं, तो आपको इन चारों को कर लेना है, शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में आ सकते हैं। यार, फोर्थ यूनिट से कुछ डिसाइड नहीं है कि आपका शॉर्ट में आए या फिर लॉन्ग में, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है, आ जाए तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, फोर्थ यूनिट हुआ कंप्लीट, चलते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर। तो दोस्तों, फिफ्थ यूनिट में जो आपको फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है स्टेट वाला, ये सभी आपको स्टेट कर लेने हैं, खासकर फिफ्थ वाला स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये दोस्तों आपका शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक आपको दिख रहा होगा रिलेशन बिटवीन स्टेट इक्वेशन एंड ट्रांसफ़र फंक्शन, जो कि लास्ट ही टाइम पूछा था शायद 2022 में,
साथ के साथ शॉर्ट नोट में जो कि आपका ट्रांसफर मैट्रिक्स आता है, कंट्रोलेबिलिटी आता है, ऑब्जर्वेबिलिटी आता है, जिसके कुछ न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं तो फिर कर लेना, नहीं तो फिर थ्योरी पार्ट से ही आपका काम चल जाएगा, आराम से बी या फिर सी प्लस तक आ जाएगा अगर आप इतने IMP तैयार करते हैं तो। सो दोस्तों, यहाँ तक हमने फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक के ऑल IMP टॉपिक देख लिए हैं, जिनको आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है। अगर आपको सिलेबस बड़ा लगे तो मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट यूनिट बताई है जिसमें से ज़्यादा पूछता है RGPB, उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। और अगर आप पूरे कर लेते हैं तो फिर आपका B+ के समथिंग आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। लव यू ऑल।